ग्यारहवीं शताब्दी का प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर उदयपुर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कॉरिडोर बनाने की घोषणा करने के बाद निरंतर उदयपुर चर्चा में है। पर्यटन के नक्शे से उदयपुर अभी तक पिछड़ा हुआ है। मीडिया में प्रमुखता से खबरें दिखाने के बाद उदयपुर की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। प्राचीन नगरी उदयपुर के प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उदयपुर को एक बाईपास की आवश्यकता है। इसी के साथ व्यवस्थित धर्मशाला भी यहां पर बनाई जाए ताकि बाहर से आने वाले दर्शनार्थी एवं पर्यटकों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक बाईपास की आवश्यकता है क्योंकि शिवरात्रि पर मेला लगने के कारण रास्ता बंद हो जाता है और आसपास सैकड़ों ग्रामों के ग्रामीण परेशान होते हैं। उन्होंने आशा जताई है कि कॉरिडोर की घोषणा होने के बाद उदयपुर का विकास होगा और पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर का नाम मध्य प्रदेश में होगा। मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को मानते हुए मंदिर में पुजारी महेंद्र शर्मा की ओर से मीडिया कर्मियों के सम्मान में सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के सभी सदस्य पहुंचे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के सभी सदस्यों ने बाबा नीलकंठेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। मंदिर समिति द्वारा मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दिया गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। विश्व की धरोहर, भारत की शान, मध्य प्रदेश की पहचान, विदिशा जिले की आन, देवादिदेव महादेव की नगरी में आप सभी पत्रकार बंधुओं का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ, शुक्ला जी, सक्सेना जी, पत्रकार पूरे बंधु, नाम नहीं आ रहे मेरे सबके, अनिल जी, शास्त्री जी, आपका नाम चौबे जी, विजय भाई साहब, अन्य सभी लोग, सचिन जी, चौरसिया जी, इन सब लोगों ने जिले के पूरे मीडिया प्रभारी या बासोदा के पूरे मीडिया प्रभारी के अध्यक्ष महोदय एवं सभी लोगों ने आज विगत कई वर्षों से यहाँ लगातार दिन रात घूम रहे हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, हर जगह कहाँ क्या स्थान है इसकी खोज करने में अगर अहम भूमिका है तो आप पत्रकार बंधुओं की है। ये मंदिर अद्भुत बारीक कला का बहुत अच्छा नमूना है। इसमें पत्थर में बहुत गहराई तक बारीक से बारीक काम किया है। इस मंदिर में नीचे से ऊपर तक बारीक से बारीक काम है। अन्य मंदिरों में अपन देखते हैं तो इसके आगे वो कुछ भी नहीं लगते कारीगरी के मामले में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने हम पत्रकारों के साथ साथ हम लोगों की मांग थी, माननीय सुषमा स्वराज जी के ने भी इस विषय में उठाया, हरी सिंह बड्डा जी ने भी उठाया, वीर सिंह जी पवार जी ने भी उठाया, हरी सपरे जी ने भी उठाया, हमारे यहाँ सभी जो नेतागण हैं उन्होंने भी, माननीय कलेक्टर महोदय जो भी आया अभी दो तीन, उनने सब ने इसमें बहुत प्रयास किया और अभी वर्तमान उमाशंकर जी भार्गव साहब बहुत अच्छे से इस काम को देख रहे हैं। हमारे यहाँ नायब तहसीलदार साहब थे, उन्होंने ये अतिक्रमण हटवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। सरकार की अहम उगदय, जो 7 फुट का सकरा रास्ता था आज अपन 30 फुट का मिल रहा है, गाड़ी आ जाती है और निकल जाती है, एक अगर जीप निकल रही तो दूसरी मोटरसाइकिल बगल से नहीं निकाल सकते थे। इन सब में अहम भूमिका पत्रकारों की है, शैलेन जी भाई का, शुक्ला जी का, चौरसिया जी, मतलब सभी पत्रकारों का कहीं ना कहीं किसी रूप में मेरे द्वारा भोलेनाथ के अर्जियाँ भी लगाई गई कि इसका पर्यटन बन जाए या इसका जो उज्जैन में जो अभी बन रहा है उस हिसाब से इस मंदिर को देखा जाए तो ये बहुत बारीक और प्राचीन नगरी है। राजा उदयादित्य परमार वंशी भोज के वंश के धार नगरी के राजा वीरसेन थे, उनकी यहाँ मनोकामना पूर्ण हुई, उन्होंने इस मंदिर का यहाँ निर्माण किया। ऐसा बताते हमारे पूर्वज, हम यहाँ 2 पुजारी हैं, 6-6 महीने करते हैं और वर्तमान पीढ़ी दर पीढ़ी से पूजा करते चले आ रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि इस मंदिर में जो भी मोक्ष की कामना लेके आता है उसे मोक्ष तो मिलता ही है, ये राजा को भी यहीं मोक्ष मिला, पुत्र की कामना से आते हैं उसे पुत्र भी मिला। ये चूंकि अब बहुत पीछे दुका हुआ ग्रामीण क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में था, चारों तरफ जंगल थे, हमारे पूर्वज जो बताते हैं एक पगडंडी रास्ता बड़े डेरेबिला ने उनके सामने डली, पगडंडी रास्ता पे से आना जाना होता था। माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बने, यहाँ के विधायक हरी सिंह जी रघुवंशी थे जब पर्सी मन नहीं हुआ था, उन्होंने यहाँ मेरे हिसाब से मैं उस समय मंडल अध्यक्ष था,
तो 14 करोड़ के विकास के कार्य करवाए। बात हो रहा जी 2 लेन रोड हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़्यादा बुरी बता देना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब कुरवाई तहसील का शुभारंभ किया तब हम लोगों ने उनसे इस रोड की मांग करी थी, तो उदयपुर से सागर के लिए और कुल्हार से मंडी मारे वो भी स्वीकृत हो गया। और जो आज उन्होंने घोषणा की है इस पर हम सब संतुष्ट हैं। यहाँ हमारे कई विकास के रास्ते खुलेंगे, छोटे फूल माली से लेकर अगरबत्ती प्रसाद वालों को भी काम मिलेगा, बड़े बड़े जब यहाँ पर अभी एक रैन दिवस बसेरा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और आप पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ एक रैन बसेरा, एक धर्मशाला ऐसी हो कि जो बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ रुक जाएँ, रात्रि विश्राम कर लें, दाल बाटी बना खा लें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक और मेरा पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, ये मंदिर पुरातत्व विभाग में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उसका नियम है, सूर्य उदय पर मंदिर खुलता है और सूर्य अस्त पर बंद हो जाता है। इस समय गर्मी पड़ रही है, सावन का महीना आ रहा है, तो सोमवार कम से कम 8 बजे तक मंदिर खोला जाए। यहाँ पर उनके कर्मचारी, यहाँ पुलिस भी रहती है, तो यहाँ किसी तरह कोई खतरा नहीं। हम सब लोग ग्रामवासी भी इस बात में सहयोग करेंगे। और इसे जो हमारी कॉरिडोर की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम सब मानते हैं बहुत जल्द पूरी होगी और उसका पैसा भी मंजूर कर दिया, कुछ उन्हें पहले बजट में आ गई है। और मैं इतना मतलब हमारा गांव, हमारे आसपास क्षेत्र और आप पत्रकार बंधुओं का आभारी हैं हम सब लोग कि आपने जो मेहनत करी जा 4-5 साल से आज वो दिखने में आई। आप ये मानते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।